सो गाइस व्हाट इज़ अप, स्वागत है आपका जिम के अंदर। अभी मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिसकी वजह से मैं अपनी चेस्ट में चेंजेस ला पाया हूँ, और एक चीज़ कुछ एक्सरसाइज मैं बताने वाला हूँ जिसको मैं चाहता हूँ कि आप प्रायोरिटाइज करो। ये चीज़ मैं क्यों कर रहा हूँ वो वीडियो में आगे चल के पता पड़ जाएगी। पहला इंक्लाइन डंबल प्रेस या इंक्लाइन स्मिथ प्रेस, और दूसरी केबल फ्लाई। ये जो पूरी एक्सरसाइज है या जो फॉर्म है आपको वीडियो में आगे चल के पता लग जाएगी। सो अभी स्टार्ट करते हैं टिप नंबर वन से कि टोटल चेस्ट वर्कआउट में कितनी एक्सरसाइज होनी चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग 3 से 4 एक्सरसाइज चेस्ट वर्कआउट में सफिशिएंट है। आपने अभी भी जिम ज्वाइन करा आपको या 3-4 महीने आपको हुए हैं, तो बेसिकली एक आपको सिंपल सा रूटीन में बताता हूँ या फॉलो कर सकते हो, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको इसको देखने को मिलेंगे। पहला अभी मैं एक्सरसाइज का रूटीन बताऊँगा आपको, एक्सरसाइज कौन कौन सी होनी चाहिए। तो पहली एक्सरसाइज आप लगाओ इंक्लाइन स्मिथ या इंक्लाइन डंबल, इन दोनों में से आप एक लगा सकते हो। इसके आप 4 सेट लगाओगे। फिर आप सेकेंड एक्सरसाइज लगाओगे फ्लैट डंबल प्रेस, इसके आप 4 सेट लगाओगे। फिर आप थर्ड एक्सरसाइज लगाओगे केबल फ्लाई, इसके आप 4 सेट लगाओगे। तो अभी बिगनर हो आपके लिए 3 एक्सरसाइज सफिशिएंट रहेगी, और 4-4 सेट के अकॉर्डिंग काफ़ी ठीक है। अब अगर आपको जिम आते हुए मतलब काफ़ी टाइम हो गया है, 2-3 साल हो गए हैं, आपको फॉर्म वगैरह काफ़ी अच्छे से आ गई है, तो जो मैं वर्कआउट फॉलो करता हूँ आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा पर्सनली कि जो वर्कआउट फॉलो कर रहा हूँ काफ़ी अच्छा वर्कआउट है, इसको आप फॉलो करके देखना, आपको काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इसी वर्कआउट स्पीड को फॉलो कर रहा हूँ और रिजल्ट मेरे को देखने को मिले हैं काफ़ी अच्छे। चलो और अभी मैं बताता हूँ मेरा स्पीड क्या है, और जो जो मूवमेंट और जो जो एक्सरसाइज मैंने आपको बोला है कि आपको प्रायोरिटाइज करनी है, ये दो एक्सरसाइज आपके वर्कआउट स्पीड में वर्कआउट रूटीन में होनी चाहिए। एक्सरसाइज आपको बता दी थी इंक्लाइन स्मिथ है, इंक्लाइन डंबल प्रेस और केबल फ्लाई आपके वर्कआउट में होनी चाहिए दो एक्सरसाइज। इसके अलावा आप दो एक्सरसाइज, एक या दो एक्सरसाइज बचेंगी वो आप अपनी चॉइस की लगा सकते हो, इसमें आपको मज़ा आता है। बाकी ये दो एक्सरसाइज आपके वर्कआउट रूटीन में होनी ही चाहिए, कंपल्सरी एक्सरसाइज। अब हमारे पास एक्सरसाइज होने वाली है इंक्लाइन डंबल प्रेस, इसके मैं 3 सेट लगाऊंगा केवल। चलो जितने भी 3 सेट हैं टोटल वो इसी वेट से मैं लगाऊंगा, और इससे पहले वार्म अप वगैरह लिया था वो दिखाया। तो अभी अपनी सेकंड एक्सरसाइज है इंक्लाइन स्मिथ प्रेस, और इसका वैसे मेरा लास्ट सेट है और ड्रॉप सेट भी है। चलो ड्रॉप सेट दिखाऊंगा कैसे क्या लगाना है। अब इसका ड्रॉप दिखाता हूँ, ड्रॉप कैसे लगाना है। यहाँ लाके पॉज देना है एकदम वेट को, फिर ऊपर थर्ड एक्सरसाइज है लोअर पैक्स के लिए डिक्लाइन नंबर्स के भी 3 सेट मारेंगे। अभी इस एक्सरसाइज में आपको ध्यान का रखना है कि जब आप नीचे लेके आ रहे हो तो नेगेटिव ट्राई करो, तो स्लो लेके आओ, और नीचे जब तक लेके आओ तो आपकी चेस्ट स्ट्रेच नहीं हो जाए। ट्राई करो कि डंबल आप अपनी चेस्ट के अड़ा दो, इससे क्या कि जो मैक्सिमम स्ट्रेच हो सकेगा वो आपको मिल जाएगा इसके अंदर। चेस्ट के साथ आज अपना साइड लेटरल भी है केवल शोल्डर की एक एक्सरसाइज है, इसके बाद लगाएंगे फ्लाई। तो अभी तो वार्म अप ले रहा हूँ मैं, और फिर इसके बबाद साइड लेटरल के 4 सेट लगाएंगे फेलियर। तो अभी फर्स्ट वर्किंग सेट है लेटरल रेजिस का, और इसके अंदर जितने भी 4 सेट अपने को फेलियर मारना है, एक नंबर बताऊँ तो कम से कम 20-25 रैप के आसपास अपने को फेल करना है। चलो और फॉर्म थोड़ी सी अलग रहेगी, जैसे मैं लगाता हूँ उससे थोड़ा सा अलग रहेगा, और नेगेटिव स्लो, और ऊपर ट्राई करना है होल्ड का, बताता हूँ रुको देखिएगा। नेगेटिव जितना हो सके ना उतना स्लो लेके आने का ट्राई करना है इसको। लास्ट एक्सरसाइज अपने वर्कआउट की, इससे पहले लेटर लगाए थे मैंने, जिससे क्या होता कि चेस्ट को थोड़ा बहुत रेस्ट मिल गया था। फॉर्म चेक करो एक बार इसके, इसमें स्ट्रेच पे ध्यान देना है, वेट पे ध्यान इतना नहीं देना।
स्ट्रेच पूरा कॉन्ट्रैक्ट। चल बहुत बढ़िया, गुड सेट भाई, गुड सेट, बहुत बढ़िया सेट।